हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ एंड आप लोग भी अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग मेरे वीडियोस देखते होंगे तो उसमें आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्दी मेरी एक बहुत ही अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए आने वाली हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्द जाने वाली हूँ अपने होम टाउन, इट्स मीन मायके। और वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, बच्चों की छुट्टियाँ जो हो गई हैं और हस्बैंड की भी छुट्टी हो गई है, और तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। तो मैंने बस अपने घर जाने वाली हूँ, उसकी खुशी आप लोग मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। और आज मैंने वेयर की बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है और आप लोग देख सकते हैं, तो मैंने आज बिल्कुल ही लाइट वेटेड साड़ी वेयर की है। और मैं घर पर सिंपल रहना ही पसंद करती हूँ, आप लोग मेरे लुक को देख के समझ रहे होंगे। और पीछे के बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए फटाफट से वीडियो बना लेती हूँ। तो आप लोग मेरे लोगों को मेरा सिंपल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को बहुत प्यार और मेरे चैनल को बहुत मोटिवेट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने की बहुत सारी शॉपिंग, मैं गई हुई थी मार्केट और मैं कुछ दिनों से इन्हीं सब चीज़ों में बहुत बिज़ी चल रही थी। तो बस मैंने किया बहुत सारी शॉपिंग, और मैं शॉपिंग करूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली को ना दिखाऊँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। और गर्मियाँ आती हैं ही, मैंने की सबसे पहले कॉटन की साड़ियों की शॉपिंग, तो क्योंकि मैं गर्मियों में ज़्यादातर कॉटन की साड़ी पहनना ही पसंद करती हूँ, उसमें गर्म नहीं लगती है, और लखनऊ में ज़्यादातर लोग कॉटन की साड़ियाँ ही पहनते हैं गर्मियों में। तो मैंने ख़रीदी हैं कॉटन की साड़ियाँ, तो ये है मेरी नंबर वन साड़ी जो कि है ब्लैक एंड ग्रे कलर की, बहुत ही मस्त साड़ी है यार गाइस, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मुझे सच में गाइस बहुत पसंद आई है। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि दिखने में कैसी है, एंड ये कैटलॉग में कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है, आई होप कि आप लोगों को शो हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। एंड इन सब साड़ियों के साथ हम लोगों को ब्लाउज़ पीस भी रिसीव हुए हैं, जो ब्लाउज़ का कपड़ा होता है वो। और ये देखिए, ये है साड़ी का एक्चुअल कलर, आप लोग देख सकते हैं ये साड़ी ऑल ओवर ऐसी है, एंड पल्ला थोड़ा सा इसका डिफरेंट टाइप का है, तो नीचे बॉर्डर में इस तरीके से दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए गाइस। और ये कॉटन में है, तो बहुत ही लाइट वेटेड एंड बहुत ही हल्की साड़ी है और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये है मेरी नंबर वन साड़ी, और ये है इसका ब्लाउज़ पीस। तो आपको इसके साथ इस तरीके का कुछ कपड़ा ब्लाउज़ का रिसीव होगा, और मैंने तो ख़रीदी है तो परचेज़ किया तो मुझे इसके साथ इस तरीके से मिला है। और गर्मियों में जो है कॉटन की साड़ी बहुत ही आराम देती हैं, तो मैं तो अपनी तरफ से मतलब चाहती हूँ कि भैया कंफर्टेबल कपड़ा ही प्रेफर करूँ पहनूँ, और आप लोग उससे भी यही कहूँगी कि आप लोग भी चाहे तो कॉटन की साड़ी वेयर कर सकते हैं अगर आपको बहुत गर्मी लगती है। तो ये बहुत अच्छी साड़ी है, ये मेरी नंबर वन साड़ी। अब चलते हैं सेकेंड साड़ी की तरफ, एंड ये है मेरी सेकंड साड़ी, ये भी कॉटन की साड़ी है, ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके से है, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ गाइस। तो ये देखिए गाइस, ये है इसका कैटलॉग, ये कुछ इस तरीके से लगेगी पहनने के बाद। और आपके घर में अगर कोई बड़े हैं, मम्मी लोग हैं या दादी लोग हैं, तो आप उन लोगों के लिए भी इसे परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल साड़ी है। ये देखिए कुछ इस तरीके की आपको मिलेगी, ये पूरी इस तरीके की है, और साइड में ब्लाउज़ का कपड़ा दे रखा है इसमें अलग से, और इसका जो पल्ला है वो कुछ अलग डिज़ाइन का है, और नीचे कुछ इस तरीके से, और बहुत ही हल्की साड़ी है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप लोग मेरी फिंगर देख पा रहे होंगे, आई होप तो मतलब आपको गर्मियों में बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगी। तो आई होप कि आप लोग पसंद आई होगी, तो मैं आप लोगों को इसका ब्लाउज़ पीस दिखा देती हूँ। ये है इसका ब्लाउज़ पीस, जो ब्लाउज़ का कपड़ा हमें रिसीव हुआ है इसके साथ, तो ये है, इसे मिलता जुलता ही ब्लाउज़ पीस हमें रिसीव हुआ है। तो मुझे ये कलर्स बहुत अच्छे लगे, और मैंने ली थी तीन साड़ियाँ, तो अब चलते हैं थर्ड साड़ी की तरफ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैं साड़ियाँ परचेज़ करूँ और येलो साड़ी परचेज़ ना करूँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने लिए थर्ड साड़ी, ये येलो कलर की साड़ी, आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी प्लेन में आएगी आपकी, और इस तरीके का बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा नीचे की तरफ, और इसका जो प्लेट्स का एरिया आएगा उसमें डॉट्स बने हुए हैं ताकि वो कुछ और ऑफ इन्हेंस करके और अच्छी लगे। तो ये देखिए, ये आपको कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिलेगा पूरी साड़ी में नीचे की तरफ,
पूरी साड़ी प्लेन है, आप गर्मियों में इसे बाहर हल्का फुल्का मार्केट जाना है तो इस तरीके से पहन सकते हो। पटलियों के एरिए में आपको इस तरीके से डॉट्स मिलेंगे, पोल्का डॉट्स जो होते हैं उस तरीके का आपको डॉट्स मिलेंगे, तो पटलियों में ये बहुत अच्छी लगेगी पहनकर आएगी। तब और ये है इसका पल्ला, पल्ले पे आपको कुछ इस तरीके से लाइनिंग्स मिलेंगी आपको। और ब्लाउज पीस जो है वो उसका इसके अंदर ही आपको कट करना पड़ेगा। और आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है गाइस। और बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी है और इसको धुलने के बाद जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे और ज़्यादा हल्की होती चली जाएगी, स्मूथ होती चली जाएगी, सॉफ्ट होती चली जाएगी, तो और भी अच्छी लगती है पहनने पर। और चलते हैं नेक्स्ट शॉपिंग की तरफ। मैंने ख़रीदे हैं ये प्यारे प्यारे से इयररिंग्स, आप लोग देख सकते हैं। मैं शॉपिंग कर रही थी वहीं मुझे एक शॉप पर ये नज़र आ, मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड ये स्ट्रट्स वाले भी हैं, इनको आप चाहें तो सिंगल भी पहन सकते हैं और चाहे तो इनके साथ पहन सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे गाइस, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। मैंने जब लिए तो पहन कर देखे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। इस तरीके से आप इसे सिंपल भी पहन सकते हैं और चाहे तो इसमें जो इसकी लटकन है वो भी लगा सकते हैं आप। ये देखिएगा जी अलग हो जाते हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं सच में, पहनने के बाद चेहरा बहुत खिल आया था, ये बहुत अच्छे लग रहे थे फेस के ऊपर। मैं इसे रख देती हूँ और चलती हूँ नेक्स्ट शॉपिंग की तरफ। तो मैं अपने घर जा रही हूँ और मेरी सिस्टर्स, जैसे मैंने कि आप लोग को वीडियोस देखे होंगे तो बताया था कि हम लोग जो है चार बहने हैं, तो मेरी सिस्टर्स वगैरह भी आने वाली हैं और उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, और मौसी होने के नाते मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें कुछ दूँ। तो मैंने किया उनके लिए ढेर सारी शॉपिंग, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने उन लोगों के लिए क्या क्या ख़रीदा है। और ये इयररिंग्स आप लोग देखिए एक बार प्लीज़, बहुत अच्छे हैं। और आप लोग भी इस तरीके की इयररिंग्स ले सकते हैं वेस्टर्न वेयर के साथ, वैसे और उसके साथ पहन सकते हैं। तो और मैंने ली हैं ये दो टी शर्ट्स, ये एक वाइट टी शर्ट्स है, एक की ऑरेंज टी शर्ट्स है। ये मैंने अपने बेटे के लिए परचेज की हैं, देखिए गाइस तो ये बहुत अच्छी हैं। ये कॉलर में है आप देखिए, और कलर भी बहुत डिसेंट है, और गर्मियों में इस तरीके के कलर और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहनने में। तो ये कुछ इस तरीके की है, ये देखिए, और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था कलर। और एक है ये वाइट टी शर्ट जो मैंने ली है इसके लिए, वाइट कलर की डेनिम के साथ पहनने के लिए, ब्लैक कलर की डेनिम के साथ पहनने के लिए, बहुत अच्छी लग रही थी ये। और ये देख सकते हैं आप, गर्मियों में वाइट कलर और भी ज़्यादा ठंडा रहता तो अच्छा लगता पहनने में। तो एक मैंने उसके लिए वाइट ली थी, दो मैंने उसके लिए टी शर्ट्स ली अपने बेटे के लिए। आप दिखाती हूँ मैं आपको अपनी आखी की शॉपिंग, तो मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है। आप दिखाती हूँ बच्चों के लिए कपड़े, तो ये देखिए गाइस यहाँ लिए मैंने कुछ बच्चों के कपड़े और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मैंने शॉपिंग की है गाइस। तो ये आप लोग देख सकते हैं एक सूट पीस है बच्ची के लिए, आप इसे लड़कों को पहना सकते हैं, लड़कियों को कोई भी पहन सकता है। और ये देखिए गाइस एक टी शर्ट है, हाँ बच्चों के लिए लिया मैंने ये देखिए। इसके साथ मुझे मिला है जीन्स का निकर बच्चों के लिए, और बहुत ही स्मूथ कपड़ा है इसका, कुछ भी टाइट नहीं है, बच्चों को बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा पहनने में। एंड अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना सेकंड पीस, ये जो सब साइज़ लिए मैंने 21 बराबर लिए हैं। ये कपड़े जो मैंने लिए हैं वो 2 साल तक के बच्चों के लिए लिए हैं, तो पहनने में भी अच्छे, कलर कैसे लगे आप लोग मुझे बताइएगा। ये देखिए कलर ये लिया है मैंने पहनने के लिए, ये देखिए इसमें कुछ इस तरीके का निकर मिल रहा है। एक मैंने ये लिया, ये मैंने अपनी बिटिया रानी के लिए लिया है पहनने के लिए, ये देखिए पिंक कलर में, ये
ये देखिए इसमें भी आपको इस तरीके का निक्कर मिल जाता है सॉफ्ट वाला। एंड नेक्स्ट लिया है मैंने ये, मैं आपको दिखा देती हूँ एक और येलो कलर का। ये देखिए गाइस, ये देखिए आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। आप लोग इलास्टिक बिल्कुल सॉफ्ट है, आपको बिल्कुल टाइट नहीं लगेगी बनने में, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। और नेक्स्ट लिया है मैंने बच्चों के लिए कुर्ता पजामा, आप लोग देख सकते हैं गाइस। और लखनऊ में है और आप चिकनकारी के कुर्ते ना ले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये लिए मैंने बच्चों के लिए चिकनकारी के कुर्ते, येलो कलर में है और बच्चों के कलर फेयर है तो उन पर बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। इस तरीके से इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं जगह बटन्स में। एंड ये है इसका पजामा, ये देखिए इस तरीके का कुर्ते हैं। मैंने ये लिए 2 pairs में, 2 जोड़ी। ये देखिए एक ये है एक वो है, दोनों के साइज़ एक ही बराबर है। ये 2 साल तक के बच्चों के लिए मैंने परचेज़ किए हैं। और मैंने अपनी बेटिया रानी के लिए लिए हैं 2 t-shirts स्निकर्स। ये देखिए 2 t-shirt परचेज़ किए मैंने उसके लिए, एक ये ली है एंड एक ये ब्लू कलर की t-shirt ली है मैंने अपनी बेटिया रानी के लिए। एंड लिए गर्मियों के लिए निक्कर स्पोर्ट्स वाले, और आने जाने के लिए एक ये मैंने उसके लिए निक्कर परचेज़ किया है। और ये देखिए मैंने प्यारे प्यारे उसके लिए निक्कर परचेज़ किए हैं। कैसा लग रहे हैं आप लोग मुझे बताइएगा। और बहुत ही रिजनेबल प्राइस की है शॉपिंग की थी मैंने, और बहुत ही अच्छी शॉपिंग थी गाइस। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। देख सकते हैं आप मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है। तो बस फ़िलहाल यही सब चल रहा है मेरे यहाँ, मैं कर रही हूँ अपने बाइक के जाने की तैयारियाँ, तो मैं सब इसलिए कामों में बिजी चल रही हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, वीडियो को पूरा वॉच करें, बाय, मिलते रहेंगे नेक्स्ट।